पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई शुरू, आमने सामने भारत और पाकिस्तान। कुलभूषण मामले में आईसीजे में भारत की ओर से दीपक मित्तल ने अपना पक्ष रखा, हरीश सालवे, चेतना राय और काजल भट्ट भी मौजूद। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे कर रहे हैं पैरवी, कुलभूषण मामले में आईसीजे के 11 जज कर रहे हैं सुनवाई। भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जाधव मामले पर कहा, पाकिस्तान की कैद से छूट जाएंगे जाधव, उसे आईसीजे का फैसला मानना ही होगा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, पाकिस्तान नहीं होगा कामयाब, हम जाधव की जान बचा कर रहेंगे। कुलभूषण के दोस्त को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बहुत उम्मीद, कहा आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम है। जाधव के लिए देशभर में दुआएं चल रही है, कानपुर में किया गया हवन। 17वीं यूपी विधानसभा के पहले सत्र में समाजवादी पार्टी का हंगामा, राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी की सीटियां बजाई। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कागज के टुकड़े फेंके गए, सुरक्षा में तैनात जवानों ने खूब रोकने की कोशिश की। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता बेंच पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे नजर आ रहे थे, सदन में विपक्ष के नेताओं ने सीटी भी बजाई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार रही नाकाम, योगी सरकार को बताया गुंडों की सरकार। यूपी विधानसभा में राज्यपाल पर कागज फेंकने को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना, सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, अखिलेश चुपचाप सब कुछ देखते रहे। यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच राज्यपाल ने पूरा संबोधन पढ़ा, हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के समन्वय बैठक हो रही है, योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को खत्म करता है तो सरकार मुसलमानों के लिए लाएगी नया तलाक कानून, केंद्र सरकार ने कोर्ट के सवाल का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी है, अटॉर्नी जनरल ने की हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई की अपील। अटॉर्नी जनरल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्यूचर में बहु विवाह पर और हवाला पर सुनवाई के लिए दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में रखा सरकार का पक्ष, कहा ट्रिपल तलाक पर बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों से भी पिछड़ा है भारत। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अस्पताल से छुट्टी के बाद सीबीआई और सीबीडीटी में कराएंगे एफआईआर, कालेधन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, कपिल मिश्रा ने विश्वासघात किया, झूठे आरोप के बीज बोए, अब वही उसे काटेंगे। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां। समारोह में डीएससी फाउंडेशन का ऐलान, ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए देकर फाउंडेशन की शुरुआत की। एसएल ग्रुप के यंग एज 90 को सेलिब्रेट किया, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा डीएससी फाउंडेशन के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप का साथी अभियान भी लॉन्च किया गया, समारोह में सीएम मनोहर लाल, अजीत डोवाल सहित सैकड़ों मेहमान शामिल हुए। एसएल ग्रुप के 90 साल के जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना, जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। प्रेसिडेंट मुखर्जी ने एसएल ग्रुप को दी बधाई, कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। राष्ट्रपति ने कहा 100 साल तक यंग बने हैं। एसएल ग्रुप के 90 साल के जश्न में मीडिया को राष्ट्रपति का संदेश, कहा मीडिया सच का साथ दे, लोगों पर मीडिया का असर होता है। एसएल ग्रुप के समारोह में फैमिली लेगेसी बिजनेस अवार्ड की शुरुआत हुई है, कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले खास लोग सम्मानित किए गए। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन, नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई, चराए वेती चलना ही तेरी नियत। अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का समापन, पीएम मोदी जारी करेंगे नर्मदा नदी के संरक्षण का रोडमैप।
पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे अमरकंटक एयरपोर्ट पर, सीएम शिवराज सिंह चौहान अगुवाई की उनकी। अमरकंटक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी, दोनों ने की मां नर्मदा की पूजा। पीएम पद की रेस से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किनारा, कहा मैं 2019 में पीएम का दावेदार नहीं हूं। लालू यादव पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफाई, कहा आरोपों की हो रही है जांच। बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला का इनकार, अमित शाह से मुलाकात के बाद लगाई जा रही थी अटकलें। तमिलनाडु के कई शहरों में सरकारी बसेस की हड़ताल, बकाया भत्तों की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। कर्नाटक के गडक इलाके में नदी में डूबी बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार का विरोध कर रही लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता हुए बेकाबू, जमकर तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने मस्तपोरा गांव में घेरा डाला है, आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मुंबई में रह रहे 26 पाकिस्तानी नागरिक अचानक गायब हो गए, पुलिस को सी फार्म भरने के दौरान मिली ये जानकारी, तलाशी जारी है। मुंबई में 26 पाकिस्तानियों के गायब होने पर उद्धव ठाकरे का केंद्र पर हमला, सामना में लिखा पाकिस्तानियों पर कांग्रेस सरकार से भी नरम है मौजूदा सरकार। दिल्ली के पंजाबी बाग में फ्लाईओवर से गिरी कार, दो लोगों की मौत हुई, 5 लोग जख्मी। बेकाबू कार से 7 लोगों में से 2 लड़कियों की मौजूदगी है, हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, परीक्षा देने के लिए जा रहे थे ये सभी। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव पर सभी पक्षों को एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट, बच्चों की सेहत पर हुए असर को एम्स से एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है। मुंबई लोकल में थम नहीं रहा हादसों का सिलसिला, अलग अलग हादसों में सिर्फ 2 दिन में 24 लोगों की मौत हुई, 16 मुसाफिर घायल हुए। रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले में दोनों आरोपियों को वारदात वाली जगह लेकर पहुंची पुलिस, सबूतों के लिए सीएफएल की टीम ने सैंपल्स भी लिए। रोहतक गैंगरेप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप की खबर है, वारदात के बाद लड़की को सड़क पर फेंका, आरोपी फरार है। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई, एयरफोर्स की मदद से बुझाई गई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी ने पति को पीट पीट कर मार डाला, मर्डर के बाद सरेंडर किया, रोज रोज मारपीट से परेशान हो गई थी महिला। यूपी के बागपत में बेखौफ बदमाश, फल कारोबारी से लूटपाट की, विरोध करने पर बदमाशों ने पिटाई भी की। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, गांव के प्रधान और डायल 100 PCR पर तैनात 3 पुलिस वालों पर आरोप है। यूपी के कौशाम्बी में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर जान दे दी, साहूकार पर 10,000 के कर्ज पर हर घंटे 300 रुपए ब्याज जोड़ने का आरोप है। यूपी के मथुरा में पुलिस की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, छापे में जब्त अवैध शराब की 2 पेटियों को निजी इस्तेमाल के लिए बचाया। यूपी के बदायूं में झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई है, लड़की वालों पर हत्या करने का आरोप है। यूपी के गोंडा में दहेज के लिए लोभी ससुराल वालों ने की बहू के साथ बर्बरता, बहू के हाथ पैर की उंगलियां काटी, हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा। यूपी के मुगलसराय में जीआरपी ने 12 पिस्टल्स और 12 मैगजीन बरामद की है, पुलिस ने लोगों को भी गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को। यूपी के जालौन में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 4 मई को पति पत्नी को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। कानपुर में 102 साल की सास को 80 साल की बहू का अनोखा गिफ्ट, मदर्स डे पर बहू ने गिफ्ट किया टॉयलेट। हरिद्वार के विष्णु घाट में कूड़ा डालने से नाराज हुए लोग, नगर स्वास्थ्य अधिकारी का घेराव किया। आज जयपुर जाएंगे प्रेसिडेंट मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राजस्थान के बीकानेर में बलून फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। एमपी के उमरिया में देखे गए हथियारबंद नक्सली, सूचना मिलते ही पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। एमपी के डिंडौरी में बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई है, 24 लोग घायल है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे अमरकंटक। एमपी के भिंड में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस टीम का छापा, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए, 1 पनडुप्पी भी बरामद हुई। एमपी के टीकमगढ़ में खनन माफिया का वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, रेंजर्स और 2 कर्मचारी घायल है, 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एमपी के सिंगरौली में अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जला दिया, पिता और एक बेटी की मौत हो गई, 6 साल की बच्ची की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद हुए एसटीएफ जवान सुलभ उपाध्याय को आखिरी सलामी दी गई, अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गांव वाले मौजूद रहे।
पटना में क्रेडिट कार्ड से 3,36,000 की ठगी की खबर है। डॉलर में किया गया ट्रांजैक्शन, मामला दर्ज हो गया है। बिहार के नवादा में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल है, 30 की हालत बहुत सीरियस है। बिहार के नालंदा में चोरों का छात्र पर चाकू से हमला, मोबाइल और रुपए लूटकर फरार हुए। पटना पुलिस की दबंगई, फिर हुई कैमरे में रिकॉर्ड, एक इंजीनियर और उसके भाई को लाठी से मारा, हेलमेट नहीं पहनने का इन पर आरोप है। बिहार के गोपालगंज में बुलेरो और बस के बीच टक्कर हुई, 2 बाराती की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल है। पटना के प्राइवेट अस्पताल में पुलिस की रेड, शराब पीते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आईजी ने सिटी एसपी को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं। रांची में 15,00,000 रुपए का इनामी नक्सली कुंदन पहान सरेंडर कर चुका है। माओवादी का जोनल कमांडर रहा है ये कुंदन पहान। झारखंड के साहिबगंज में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा गया। बाइक खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ था। रायपुर की केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 से 5 मजदूरों के झुलसने की भी खबर है। पंजाब के बरनाला में आईपीएल मैचेस पर सट्टा लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, 9 मोबाइल फोन और 27,000 कैश भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 फीट गहरी खाई में टूरिस्ट गाड़ी गिर गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पति ने पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या की, पति के जेल में रहने के दौरान पत्नी के गर्भवती होने से नाराज था आरोपी। गुजरात के डांग जिले में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात बन गए हैं, कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं लोग, जिले के 311 गांव प्रभावित है। कर्नाटक के गुलबर्ग में गर्भवती महिलाओं के घरों में बनाए जाएंगे टॉयलेट, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत कंस्ट्रक्शन होगा। शिमला बुक फेयर की शुरुआत हो गई है, 9 दिन तक चलने वाले मेले में शामिल है 10,000 से ज्यादा किताबें। देश भर में रेलवे ने 900 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर लगाए सीसीटीवी, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तय वक्त से 3 दिन पहले अंडमान पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार में खूब होगी बारिश। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में भिड़ेंगे मुंबई और पुणे, 16 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। डोमिनिका टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 101 रन से हरा दिया है, सीरीज पर पाकिस्तान का कब्जा है। आईपीएल मैच में फिक्सिंग की साजिश पर पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने दी बीसीसीआई को सलाह, कहा फ्यूचर में खिलाड़ियों के लिए पूरा होटल बुक कराया जाए। मानव अधिकार कार्यकर्ता सी वेलरिस्ट ने सीपैक पर उठाए सवाल, कहा चीन अपने लोगों को बसाने के लिए बलूचों पर अत्याचार करेगा। सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक में हिंसा जारी है, मरने वालों की संख्या 30 हो गई है, 6 यूएन सैनिक भी शहीद हुए हैं। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर, रूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मुंबई में हेमा मालिनी ने भरतनाट्यम से बांधा समा, सोनू निगम समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत का फैन से मिलने का सिलसिला 8 साल बाद शुरू हुआ, 4 दिन तक लगातार करेंगे मुलाकात। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में माधुरी दीक्षित नहीं चाहती अपने अफेयर से जुड़ी बात, खबरों के मुताबिक राजकुमार हिरानी से की मुलाकात। दीपिका पादुकोण ने बहन की शादी के लिए पद्मावती की शूटिंग से थोड़ा ब्रेक लिया है, शादी में परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। प्रियंका चोपड़ा का ड्वेन जॉनसन के साथ किसिंग की तस्वीर वायरल हो गई है, फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के दौरान अचानक पहुंचे जॉनसन।